का इलाज कैसा चल रहा है? हाँ डॉक्टर साहब, पर आंखों को क्या इलाज है? अरे इलाज है गोमती जी, इसकी आंखों का अंधापन कॉर्निया की वजह से है, इसका ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। समझ को नहीं आया डॉक्टर साहब। मैं यो कह रही हूँ कि इसकी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है, ये फिर से देख सकती है। ये बात करो तो हमारे टावर ने ठीक कर दो, ऑपरेशन भी जो करे। ऑपरेशन तो हम कर देते गोमती जी, लेकिन नेत्रदान के लोग जागरूक नहीं है। एक नेत्रदान से दो लोगों की जिंदगी खुशहाल हो सकती है, दो लोगों की आंखें वापस आ सकती हैं, लेकिन लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। आप उम्मीद मत हारिए, सब ठीक होगा। ठीक है डॉक्टर साहब। सुनो डॉक्टर पराग, अब अपन को नेत्रदान की जानकारी के लिए गाँव में भी जाना है। चलो दानों में है महादान, दानों में है महादान, लो संकल्प करे हम नेत्रदान, लो संकल्प करे हम नेत्रदान। बताओ डॉक्टर साहब, बापू जी की तबीयत घड़ी खराब है, अहमदाबाद लेन गया था, मुझे डॉक्टर साहब कहे हो कि माथे में गांव डूबी है, तो हम बापू जी का घना दिन है कोली। सुनकर दुख हुआ, लेकिन वैसे आप तुम्हें बताना चाहूँगा, हमारी टीम नेत्रदान के संदर्भ में जागरूकता फैलाने का काम कर रही है। इस संदर्भ में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा। बताइए डॉक्टर साहब। आपके द्वारा नेत्रदान के संकल्प से दो लोगों की जिंदगी रोशन हो सकती है। पर बस मैं क्या कर देखो? अरे आप बात तो सुनिए, अभी आपको कुछ नहीं करना है, एक पर्चा भरना है, उसके बाद हमारी चिकित्सा विभाग की टीम आपके घर से आएगी और उनके नेत्रों को एकत्रित कर लेगी। अरे पर मत सुनियो कि आगे काट ले जाओ ना, अंधो पैदा हुआ अगला जन्म में। नहीं हुई हो कि नेत्र काट ले तो बच्चे नरक में जाना पड़े। अरे राजेश जी, सब अंधविश्वास है, नेत्रदान एक परोपकार है और परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। पर बापू जी ने तो मोतिया बिंद है और आंखों की कर काम आए। ये सब भ्रांतियाँ हैं, एक वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, चाहे वो मोतिया बिंद हो, चाहे कैंसर हो, चाहे बीपी का हो, चाहे शुगर का हो, कुछ संक्रामक रोगों को छोड़कर हर व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है और करना भी चाहिए। पर डॉक्टर साहब हमारा तो मन को नहीं बोलने। अरे पापा, पापा जी बोल। अरे पापा जी से उठ गया। अरे तो कर दियो सारी बात उड़ तो लास्ट सही कह रही है, मैं तो मर जाऊँ, कम से कम ज्यादा नहीं, छोड़ो काम तो करो, सारी माँ धापुटी पर वार जो हमारी डॉक्टर साहब से हमारा पर्च बोल रहा हूँ। मुझे भेजना पूरी वीडियो, ठीक है? ना कोई भ्रम ना कोई अज्ञान, ना कोई भ्रम ना कोई अज्ञान, सब कर सकते हैं नेत्रदान। बीपी हो या हो मोतियाबिंद, शुगर हो या थायराइड, कोई भी कर सकता है नेत्रदान, बस एक वर्ष
वो बापू जी का देहांत हो गया है और उनकी आखिरी इच्छा तो आपको पता ही है, मैंने नेत्र दान का फॉर्म भरा था, तो आप जल्दी से अपनी टीम लेकर के आ जाइए। वास्तव में नहीं जाओ ना हेलो डॉक्टर पराग। हेलो, हाँ हाँ, अभी अभी आए, डोनेशन हुआ है, अभी आ रहे हैं हम। हाँ सही है। हेलो गोमती जी। हाँ डॉक्टर साहब, आप जल्द से जल्द अस्पताल आ जाइए, आपकी बेटी के लिए हमें कॉर्निया मिल गया है। अरे आप तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, जल्दी। आप बाहर ही रुकिए। अरे भगवान भलो करे डॉक्टर साहब रो। हेलो डॉक्टर साहब, हूँ भैया, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप रो अरे बच्चो हमारी बच्ची रही हो क्यों पाची आई रही। गोमती जी, ये तो हमारा काम था, अगर आपको सही मायने में धन्यवाद करना ही है तो रामदयाल जी के परिवार वालों का कीजिए। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब। बापू जी तो गणे चौको गांव की नौता, हम मैं ही मारे पूरे परिवार रो फॉर्म भरू, मैं सब भी नेत्रदान कर ई भलो काम में हूँ भी देरी नहीं करूँ, मारे बोले जड़ कितने बच्चों की आस वेला नेत्रदान। आज हमने नेत्रदान को लेकर एक नुक्कड़ नाटक आपके सामने प्रस्तुत किया है, इसके लिए हमने जागरूकता रैली भी निकाली और बतौर एक मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते हमारे काम है कि समाज में ये जागरूकता फैलाएं और हम ये कर भी रहे हैं। और आज के दिन मैं और हमारी टीम ये कोशिश करेगी कि नेत्रदान का हम भी जो फॉर्म है वो फिल करें। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप किसी की आंखों की रोशनी अगर अपनी दे के बाद में दे सकते हैं, पर अगर भगवान की दिव्य देन का अगर आप सम्मान कर सकते हैं तो करें, और कई लोगों की ज़िंदगी में आप रोशनी भर सकते हैं, नेत्रदान अवश्य करें। डाटा जो है वो कितना डाटा? सर ऐसा है कि ब्लाइंडनेस तो बहुत है इंडिया में, और एक रिसर्च हुई थी सरकार, इसमें बता रहा है कि 200,000 से अधिक लोग अभी वर्तमान में कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से पीड़ित है, जिसको कि एक दिन सही तरीके से सही कर सकते हैं कॉर्निया के ट्रांसप्लांट के कारण। और लोगों में भ्रामकता है कि मोतियाबिंद हो गया किसी इंसान को, कोई बीमार है, कोई जिसको कैंसर है या डायबिटीज़ है वो नहीं कर सकता, ये कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन का नहीं हो सकता, नेत्रदान वो नहीं कर सकता, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप सभी जो एक वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं, बूढ़े हैं, बड़े हैं, महिलाएं हैं, कोई पेशेंट भी है, वो भी मृत्यु के पश्चात अपना नेत्रदान कर सकता है। तो अगर आपके पास में ये इतना अच्छा पुण्य करने का अगर आपके पास में काम है तो अवश्य करें। नेत्रदान को लेकर ये जो पखवाड़ा मनाया जा रहा है ये 7 दिन का है, कल हमारे कॉलेज में पोस्टर मेकिंग कार्यक्रम किया गया था, जिसके जरिए कम से कम 25 लोगों ने पोस्टर बनाकर नेत्रदान को जागरूकता फैलाने का काम किया। और आज हम कॉलेज की ओर से सारे विद्यार्थियों ने मिलकर एक रैली निकाली है, इसके साथ ही मेरे कुछ साथियों ने यहाँ पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके।
कितना जरूरी है नेत्रदान को लेकर जागरूकता? नेत्रदान को लेकर जागरूकता अभी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आज देखा जाए तो हर 10 में से दूसरा आदमी आपको ऐसा मिलेगा जो नेत्र के कारण पीड़ित है, रोशनी नहीं है, तरह तरह की बीमारियाँ हो रही है, उन सबको लेकर नेत्रदान बहुत जरूरी है। लेकिन नेत्रदान को लेकर कई भ्रांतियाँ हैं, आदमी मर रहा है तो आँख नहीं है, तो धार्मिक दृष्टिकोण से भी कई बातें हैं जुड़ी हुई है उस चीज़ को देखते हुए। लेकिन नेत्रदान करने के मरने के बाद में अगर आदमी को जीवित रहना है, एक आदमी की दो आंखें दो आदमी को जीवनदान दे सकती है, वो आंखें आदमी के मरने के बाद में वो जिंदा रह सकता है। अब ये नेत्रदान के पखवाड़े में मेडिकल कॉलेज पूरी तरह से समर्पित हो रहा है इस बार। आपने देखा होगा कि ये आज जो हमने किया है, एक नुक्कड़ नाटक किया, उससे पहले एक रैली निकाली थी लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए। और जैसा कि जो नाटक में बताया गया कि हर साल 2 लाख ऐसे लोग होते हैं जिनको नेत्रदान की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अभी जो है वो 60,000 से ज़्यादा नेत्रदान नहीं हो पाते हैं। तो लगभग ये समझ लीजिए कि हर साल 1,40,000 लोग बढ़ रहे हैं जिनका इलाज बड़े आराम से संभव है। लोगों को कुछ भ्रांतियाँ हैं नेत्रदान के बारे में कि जिंदा व्यक्ति की नेत्रदान किया जाता है, जबकि जो जिंदा होता है उसका नेत्रदान नहीं होता है, मरने के 6 घंटे के अंदर अंदर नेत्रदान के लिए नेत्र लिया जाता है। दूसरी बात लोगों को यह है कि पूरे की पूरी आई को जो है दूसरे में डोनेट किया जाता है, वो पूरी आई को नहीं, आंखों के आगे जो कॉर्निया होता है सिर्फ उसका ट्रांसप्लांट होता है। और आजकल तो इतना एडवांसमेंट हो गया है कि एक नेत्र से जो पहले एक कॉर्निया लगता था, आजकल उसके सेक्शंस करके और 1 से 3-4 जनों को दिए जा सकती है। तो एक व्यक्ति 5 या 6 जनों को नेत्रदान कर सकता है। खर्चा इसमें कुछ भी नहीं है, मरने के बाद में सब आदमी की मिट्टी बन जाती है। अगर उसमें से कोई व्यक्ति दे देता है तो डेफिनेटली आने वाले बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होगा।